हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम एक ये बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये एक एक्चुअली जिस ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ से एक डॉक्टर का रिटन मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब मेरी हेल्प करिए। तो मैं पढ़ता हूँ उन्होंने कैसे लिखा कि कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे ज़ुकाम हुआ था। तो ज़ुकाम हुआ था और मैंने वो बारिश का भी मौसम था और उस टाइम पे मैंने कूलर के नीचे सो लिया, तो उससे सर्दी खांसी और बुखार जैसा हो गया, जिसको लेके लिए मैंने एकोनाइट लिया। ठीक है, एकोनाइट ले लिया था तो उससे थोड़ा सा ठीक लगा था। फिर उसके बाद लेकिन स्नीजिंग बंद नहीं हो रही थी, और तो फिर मैंने उसको रस्टॉक्स लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैंने एकोनाइट लिया। बिजनेस इन कैपेसिटी जैसा लग रहा था मुझे और कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने एकोनाइट लिया। नेक्स्ट डे मुझे बुखार आ गया, तो बेड पर ऐसा लग रहा था कि बस बेड पर पड़े रहो, लेकिन क्लिनिक तो जाना ही था, कोई आए या ना आए। ठीक है, तो क्लिनिक जा रहा था मैं, तो जब मैं वहाँ से लौट के आया, वो एलोपैथी दवाई नहीं ली और मैं ऐसे ही चला गया क्योंकि मुझे किसी एलोपैथी दवाइयों का कोई एहसान नहीं लेना था। ठीक है, बट शाम को जब मैं लौट के वापस आया तो फिर मैं बिस्तर पर पड़ गया और हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए फिर मैंने क्रोसिन 500 लिया, तो उससे मैं थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन उसके पहले मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबा रहा था। ठीक है, तो अभी कंस्टिपेशन हो रहा है, कंस्टिपेशन के लिए मैं साइरप भी ले रहा हूँ जिससे जल्दी मोशन हो जाए, बट मोशन नहीं हुआ। मैं जनरली क्या करता हूँ, बगैर रिपोट्राइज के, बगैर सॉफ्टवेयर के कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ। तो अभी जो भी मेडिसिन निकल के आती है वो नेट्रामियोर आती है, तो नेट्रामियोर को मैंने लिया। अब आगे पेशेंट बोलता है, अभी उसके बाद ना मैं एस्ट्रामोनियम 200 पर हूँ। अभी 200 से एस्ट्रामोनियम 200 लेने के बाद उसको पानी, नाक से पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो गले से खांसी आ रही है, खांसी से बलगम निकल के आ रहा है। ठीक है, और उस बलगम को ले, बलगम के लिए मैं घरेलू नुस्खे भी अपना रहा हूँ। और लेफ़्ट साइड आई में एक फुंसी हो रही है, पस्टुलर इरप्शन हो गया है, जो छूने से भी दर्द कर रहा है। अब पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं काफ़ी थक चुका हूँ दवाइयाँ लेते लेते, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अभी एस्ट्रामोनियम पे ही रहूँ या कुछ और दवाइयाँ लूँ, और मैं सीधा लेट नहीं पा रहा हूँ, मैं पेट के बल लेटा हूँ, सीधा लेटता हूँ तो मैं हर 10-10 मिनट में मुझे यूरिन की अर्ज होती है, इसलिए मैं पेट पर लेटा हूँ। तो ये केस था, तो इस केस को समझिए। ये पेशेंट ने मुझे ऐसे ही लिख के भेजा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने इसको चार्ट भेज दिया कि आप ये चार्ट है, इसमें मेडिसिन जो आती है आपको ले लेना है। ठीक है, तो मेडिसिन आई और पेशेंट ने ले लिया, और ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट डे ही सब कुछ उसका बेटर हो गया। ठीक है, तो पेशेंट को हम समझते हैं कि देखिए, अब पेशेंट को क्या उसने बताया कि पहले एकोनाइट लिया, फिर रस्टॉक्स लिया, और फिर उसने क्या, लेकिन काम पर जाना नहीं छोड़ा। ठीक है, और एलोपैथी का एहसान नहीं लेना चाहता है पेशेंट। ठीक है, ये मैं मोटे मोटे तौर पर बताया, और उसने और वो रेगुलरली कोई ना कोई मेडिसिन रेगुलरली कंटिन्यू किए जा रहा है। ठीक है, तो जो समझ में आता है उसको वो मेडिसिन ले रहा है। तो और फिर अब लास्ट में क्या बोलता है, तो हमको ये समझना है कि वो किस तरीके से आपके पास आया है, कि लास्ट में वो बोलता है, डॉक्टर साहब अब मैं थक चुका हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं एस्ट्रामोनियम पर रहूं या इस पर रहूं, तो इसने 7-8 दवाइयाँ ऑलरेडी ट्राई कर लिया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो पेशेंट है ना, जानता है, होम्योपैथी को जानता है, इसलिए सारी मेडिसिन अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो अब जानते हुए भी वो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो रास्ता जानता है लेकिन अब उसी रास्ते में भी वो गुम हो रहा है, भूल रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे, किस रास्ते से जाऊँ जिससे मैं अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा जाऊँ, मतलब निकल जाऊँ मैं। तो ये पेशेंट के लिए हमारे पास एक रूब्रिक होता है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, लूजिंग द वे, वेल नोन स्ट्रीट।
ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो पेशेंट है वो ऐसे रास्ते में कंफ्यूज हो गया है, ऐसे रास्ते को भूल रहा है जो वो बहुत अच्छे से जानता है। इसका मतलब ये कि ये पेशेंट ने ऐसी ऐसी जो मेडिसिन अप्लाई कर ली हैं लेकिन वो अब भूल गया है कि मुझे मतलब वो जानता है होम्योपैथी को, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कौन से रास्ते से जाऊँ या कौन सी मेडिसिन को मैं अप्लाई करूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। उसको कन्फ्यूज़न हो गया है कि ये भी ले लिए ये भी ले लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और ये करते करते पेशेंट बहुत ज़्यादा थक चुका, ठीक है। तो दूसरा रूब्रिक होता है हमारे पास डिस्करेज्ड। तीसरा रूब्रिक हमारे पास होता है पेशेंट ने बोला कि मैं अपना क्लिनिक जाना नहीं छोड़ता, इवन इस सिचुएशन में भी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, तो ये कहलाता है केयरफुल बिजनेस अबाउट, वो अपने बिजनेस का ध्यान रख रहा है, ठीक है। और पेशेंट ने बोला कि मैं ये एलोपैथी दवाइयों का एहसान नहीं लेना चाहता, तो कंप्लीट रिपर्टरी में ईगोटिज्म सेल्फ इस्टीम करके एक रूब्रिक है, ठीक है। अब पेशेंट क्या बोलता कि मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ इस समस्या से, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड, क्योंकि उसकी समस्या ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो इन सब रूब्रिक के ऊपर आप यदि और सबसे ज़्यादा अब एक और फीलिंग आती है इस केस में, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मैं क्या होता है कि जब पेशेंट अपनी मदद करने के लिए तैयार रहता है और अपनी मदद कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे वो अपनी हेल्प नहीं कर पाता है, तब आपको कैसा लगेगा? तब सबसे ज़्यादा आप हेल्पलेस फील करते हैं, मतलब आप अपनी मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अभी किसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट कंफ्यूज हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी अभी हेल्प कर रहा था लेकिन अब हेल्प नहीं कर पा रहा, तो ये हेल्पलेसनेस थी। तो ये सारे रूब्रिक मिलाने के ऊपर एक ही मेडिसिन आती है हमारी स्ट्रामोनियम, ठीक है, सॉरी स्ट्रामोनियम नहीं, पल्सेटेला, ठीक है। तो हमने पल्सेटेला दी, स्ट्रामोनियम के ऊपर तो था ये पेशेंट, तो हमने इसको पल्सेटेला देने के लिए बोला कि पल्सेटेला आप ले लो, तो जिस भी पोटेंशियम में लिया वो पेशेंट एकदम नेक्स्ट डे सेटल हो गया था टोटल, ठीक है। तो ये राइट रेमेडी थी हमारी पल्सेटेला। तो अभी कई सारे लोग इस पर रूब्रिक पे कंफ्यूज हुए कि ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल है, ठीक है, कि और स्ट्रीकिंग डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर एप्पल प्लेटिना, कई लोगों ने सोचा था, तो प्लेटिना नहीं है, ये प्लेटिना से अलग केस है। एक्चुअली प्लेटिना डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर्म है, उसका क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, और जबकि नहीं जानता वो। यहाँ पे उसको नॉलेज था, मेडिसिन अपनी ले सकता था पेशेंट, ठीक है। हम कई बार अपनी मेडिसिन लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, तो अपने ईगोटिज्म की वजह से नहीं, वो जानता था कि मैं ये जानता हूँ, इस लक्षण पे ये मेडिसिन काम करती है, लेकिन प्लेटिना वाला ये नहीं जानता, ठीक है। प्लेटिना को लगता है जो मैं जानता हूँ वो सामने वाला नहीं जानता, इसलिए वो अपनी मदद खुद से करना चाहता है, और फिर जब नहीं होता तो फिर डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये पेशेंट कन्फ्यूज हो गया है वेल नोन स्ट्रीट में, इसलिए आपके पास आया, ठीक है। तो ये प्लेटिना का केस नहीं था, ये पल्सेटिला का केस था, और पल्सेटिला से सेटल हो गया। इसका एक पार्ट और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तो ये पल्सेटिला से पेशेंट सेटल हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।